सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्या हूँ, ऑप्टिफाइन फॉर माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन लेटेस्ट वर्जन। सो यार, ये जो है ऑप्टिफाइन आपके मोबाइल वर्जन में बहुत ज़्यादा स्मूथली चलने वाला है और कोई भी ज़्यादा से भी लैग आपको नहीं मिलने वाला। और आपका जो गेम है एक्चुअल ऑप्टिफाइन जैसा ही चलेगा। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा ऑप्टिफाइन कैसे चलता है पीसी वर्जन में, कि उसमें थोड़े से और टेक्स्चर ऐड हो जाता है, थोड़े बहुत इफेक्ट ऐड हो जाते हैं, थोड़े ब्लॉक ब्रेकिंग के इफेक्ट आ जाते हैं, जो कि हमारे गेम को बहुत ज़्यादा बढ़िया बना देता है। और इसमें आपको कई सारे और थोड़े से टेक्स्चर भी मिलने वाले, जस्ट लाइक ओवरकट टेक्स्चर और फ्रेम रेट के ऑप्शंस, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया लगे मुझे तो। क्योंकि यार ऐसे ऑप्शंस एक्चुअली में माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में चाहिए, क्योंकि हमारा पॉकेट एडिशन लैग बहुत है। और यार आज का जो शाउट आउट है वो जाता है प्रिंस गेमर को। सर, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। सो यार, यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो कि हमारा जो माइनक्राफ्ट है कितना ज़्यादा स्मूथली चल रहा है, जबकि मैं यहाँ पे 1080p 60fps में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और यहाँ पे गेम भी बहुत ज़्यादा कलरफुल लग रहा है, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल माइनक्राफ्ट है थोड़ा सा डल टाइप का लगता है, बट यार इस पर बहुत ज़्यादा कलरफुल भी लग रहा है। और अगर यहाँ पे मैं थोड़ा आपको ब्लॉक तोड़ के दिखाऊँ, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ब्लॉक कंप्लीटली नई तरह से ब्रेक हो रहा है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा सही लगा। क्योंकि यार ऑप्टिफाइन का मतलब ये कि यार थोड़ा सा हटके होना चाहिए नॉर्मल माइनक्राफ्ट से। और ये जो इफेक्ट है ये आपको हर एक ब्लॉक में मिलने वाले, भले ही वो डोर से लेकर कोई से भी ब्लॉक हो क्यों ना हो जाए। और इसमें आपको और कई ज़्यादा एडिशनल फीचर्स भी मिलने वाले, जस्ट लाइक रेजोल्यूशन या कोई भी। सो उसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगा, और आपको इसको कैसे इंस्टॉल करना है, आई मीन कैसे सेटअप करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि उसमें भी कुछ फीचर्स है जो आपको नहीं बताया गया तो आप लोग नहीं कर पाओगे। सो या वो हिडन फीचर्स है, उसके लिए भी देखते रहना। और यहाँ पर आपको नीचे इन्वेंटरी बार पर आपको कई सारे एरोज मिल जाएंगे, दो एरोज मिलेंगे जनरली, जिससे आप अपनी इन्वेंटरी क्विकली स्विच कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा सही फीचर लगा मुझे। और यहाँ पे एक और फीचर है कि यहाँ पे आपको TPP टू FPP का स्विच बटन भी मिल जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली सेटिंग्स पे जाना और यहाँ पे डायरेक्ट आपके सामने ही मिल जाएगा बटन, जिससे कि आप लोग इजीली इसे यूज़ कर सकते हो। और आपका जो पूरा सेटिंग्स मेन्यू है कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे अगर अपना कैमरा व्यू चेंज करेंगे, सो यहाँ पे आप लोगों को साफ साफ पता चल जाएगा कि कैमरा व्यू कैसा लग रहा है। और यहाँ पे आपको अनलिमिटेड फ्रेम रेट्स भी मिल जाएगा, जो आपकी गेम को कंप्लीटली स्मूथ बना दें, इवन लो इन डिवाइस। और यार इसी से पता चलता है ये एक्चुअल में ऑप्टिफाइन है माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के लिए, जो कि हमारे गेम को कंप्लीटली स्मूथ बना देता है। और यहाँ पे आपका गेम जो है विदाउट एनी बग या फिर कोई से भी ग्लिचेस नहीं होने वाले, स्मूथली आपका गेम रन करने वाला है। और यहाँ पे अगर मैं आपको कुछ टेक्स्चर्स के बारे में बात करूँ, सो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको अभी कुछ ओर्स। सो यहाँ पे चलता है ओर्स के पास, और यार आप लोग देख ही सकते हो जो ओर्स अब कम्प्लीटली चेंज हो गए, आई मीन कम्प्लीटली नहीं पर पार्शली तो चेंज हो ही चुके हैं, ऑलमोस्ट 70%, जो कि बहुत ज़्यादा सही लग रहा है। यार यहाँ पे इस एटॉन के अंदर आपको मिल जाता है नाइट विजन, और जो वाटर है उसके अंदर भी आपको नाइट विजन का इफेक्ट मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सही है। क्योंकि यार ऐसा इफेक्ट कभी आपको मिलता नहीं किसी भी टेक्स्चर पैक में या फिर एडॉन में। देख सकते हो यहाँ पे नाइट का टाइम है, पर यहाँ पे ज़रा से भी डार्कनेस नहीं है। अगर आपको डार्कनेस पसंद नहीं है तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना। सिर्फ आपको अपना जो पैक है उसे इंपोर्ट करने के बाद आपको जस्ट सेटिंग्स में जाना है, और सेटिंग्स में जाने के बाद ग्लोबल रिसोर्स में जाके इनेबल करना, इतना तो आप जानते हैं। बट यहाँ पे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन है, इसमें जाके आप लोग रेजोल्यूशन को भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डार्क इंटरफेस चाहिए तो डार्क इंटरफेस कर सकते हो, नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल कर सकते हो। इससे जो आपके फ्रेम रेट्स पे थोड़ा बहुत अफेक्ट पड़ेगा, सो आप उसे ट्राई कर सकते हो। सो मैं तो आपको बोलूँगा नॉर्मल रखना, तो ज़्यादा सही चलेगा आपका गेम। सो यार आज की वीडियो में था बस इतना ही, फिर मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और यार अगर आपने वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को ज़्यादा शेयर भी कर देना। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।